कहते हैं कुछ सफर ऐसे होते हैं जो वर्तमान में तो होते हैं, पर सफर के दौरान वो आपको अतीत से रूबरू कराते हैं। और आज का सफर कुछ ऐसा ही होने वाला है। साफ शब्दों में कहूं तो आज पुराना भारत दिखने वाला है। छोटी लाइन पर चलती ये छोटी ट्रेन बेशक पहाड़ों के बीच नहीं चलने वाली, पर फसलों से भरे खेतों के बीच कुछ यूं खूबसूरत होने वाली है। 36 मील का ये सफर बेड़ियों में जकड़े उस पुराने भारत की दास्तां सुनाने वाला है। तो आज हम पहुंच रहे हैं राजस्थान के एक छोटे से शहर धौलपुर में, जो कि एक समय में प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। हिस्ट्री की बातें और भी करेंगे, पर पहले आपको दिखा दें कि आज का हमारा रूट क्या होने वाला है। तो हमारी ट्रेन शुरू होगी धौलपुर से, फिर बाड़ी मोहारी जंक्शन होते हुए तांतपुर पहुंचेगी, जिसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर की रहने वाली है। मोहारी एक जंक्शन है जहां से दूसरी लाइन सरमथुरा की तरफ निकल जाती है। और कमाल की बात यह है कि हमारी ट्रेन मोहारी से सरमथुरा की तरफ भी जाएगी। वो कैसे, आगे बात करेंगे। पहले नैरो गेज के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को देख लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। तो फिलहाल मैं हूं अभी धौलपुर में, और धौलपुर आने का सिर्फ एक कारण है कि बहुत ही एक स्पेशल जर्नी जो है वो आपको दिखानी थी। लेकिन राजस्थान के अंदर पहली बार ना नैरो गेज में ट्रैवल करने जा रहा हूं मैं, और बड़ा ही प्यारा सा बहुत ही छोटा सा ये रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के अंदर दो छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो भी हैं, हरे भरे पेड़ है, और पंछियों की आवाज़ सुनो आप यार, ऐसा लग रहा है कि अचानक से हम पुराने ज़माने पहुंच चुके हैं। बहुत ही शांति है यहाँ पे, और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो कि आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलती, ये टर्न टेबल इस्तेमाल में आते हैं जब लोकोमोटिव के डायरेक्शन को चेंज करना होता है। पहले ज़माने में बहुत इस्तेमाल में आते थे, लेकिन आज के ज़माने में जब नैरो गेज की ट्रेन्स, मीटर गेज की ट्रेन्स रही नहीं, तो फिर इनका इस्तेमाल भी अब नहीं होता। हालांकि ब्रॉड गेज के भी टर्न टेबल्स होते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है ना कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती टर्न टेबल्स की। वैसे यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो सुबह 10:40 पर अपना डिपार्चर जो है वो लेने वाली है। तो ये है ZDM-5 लोकोमोटिव जो कि आज हमारी जर्नी में हमारा साथी होने वाला है। तो लीजिए, सुबह 4 की निकली ट्रेन तांतपुर और सरमथुरा से सवारी लेके अपने गंतव्य स्टेशन आ चुकी है, और वापस से ट्रेन 10:40 पे फिर से एक सफर पे निकलेगी जिसमें हम भी यात्रा करने वाले हैं। ये धौलपुर तांतपुर सरमथुरा नैरो गेज लाइन की शुरुआत 1908 में हुई थी, और तब के यहाँ के महाराजा थे राम सिंह। पहले इस रूट पे स्टीम लोकोमोटिव चला करते थे, पर दशकों से ये ZDM डीजल लोकोमोटिव इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये आ चुकी है हमारी नैरो गेज की ट्रेन, और अभी क्या होने वाला है, अभी जो लोकोमोटिव है वो डिटैच होकर के आएगा इस साइड इसको लगाया जाएगा, और उसके बाद से ये जर्नी जो है वो आगे बढ़ने वाली है। और वहाँ पे कुछ पुराने डब्बे जो हैं वो खड़े हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, शायद उनका अब इस्तेमाल हो भी ना हो। और जो लोकोमोटिव अभी आया था ना उसमें भी ऑयल फिलिंग जो है वो हो रही है। तो फिलहाल मैं यहाँ बैठ करके इंतज़ार कर रहा हूँ लोकोमोटिव के इधर आने का, ताकि आपको जो लोकोमोटिव का अटैचमेंट है वो दिखा पाऊँ। पाँच मिनट में हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से डिपार्चर लेने वाली है, और उस तरफ गतिमान एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। चलिए, एक तरफ थी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, और ये एक तरह से कह सकते हैं स्लोएस्ट ट्रेन है। डिपार्चर बस होने वाला है अपना,
आज का सफर आधुनिक भारतीय रेल में नहीं बल्कि 115 साल पुराने एक ऐसे रेल मार्ग पे है जिसमें तब से लेकर के अब तक ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं और आज फिर से अपना पुराना भारत देखने को मिलने वाला है। और बात करें स्पीड की तो हमारी ट्रेन की स्पीड इतनी है कि एक ऑटो भी हमसे तेज निकल रहा है। तो फिलहाल जर्नी का बहुत ही मजा आ रहा है और सबसे अच्छी बात है कि मौसम बहुत ही बढ़िया है, जिस कारण से ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। हल्की हल्की धूप जरूर से है, पर धूप जो है वो चुप नहीं रही है क्योंकि मौसम में थोड़ी ठंडक है और बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस कोच में। हमारे साथ कुछ स्कूली दोस्त भी हैं ट्रैवल कर रहे हैं। चलो चलो फटाफट नाम बताओ अपने अपने। बॉबी बॉबी भाई, सनी देवल का है, ये भाई है आपके ढाई किलो का हाथ का है एक तो यार ये तो पाव पाव किलो का हाथ तो है, ढाई किलो ये ढाई किलो का नहीं है भाई। अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? रोज रोज जाते हो गाड़ी? अच्छा अभी गांव जा रहे हो? अच्छा होली की छुट्टी है, हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। अब तुम यार तुम तो होली खेल चुके हो? अच्छा हॉस्टल में खेल गया यार, बचपन के दिन याद आ गए जब हम भी स्कूल में होली खेला करते थे। चलो बच्चों को अच्छा लगा मिलके सबसे यार। बॉबी देवल तुम फिल्म में जरूर से आओगे। सही देवल थोड़ा खाए पिया करो, थोड़ा सेहत पे ध्यान दो। वैसे ये रूट उतना सीनिक नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको माउंटेन रेलवे की तरह बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, पर हाँ ये रूट सैकड़ों साल पीछे हमारा भारत कैसा दिखता था उसकी झलक आपको जरूर से दिखाएगा। सब लोग बिना टिकट और इस ट्रेन में अक्सर यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं और यहाँ मैं अमान भाई से इसी बात पे चर्चा कर रहा था। वैसे इस रूट पे 7 से 8 छोटे छोटे स्टेशन बने हैं पर मैं सभी आपको नहीं दिखा रहा। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बाड़ी रेलवे स्टेशन और इसके पीछे के जो 3 स्टेशन थे ना वो ज्यादा बड़े नहीं थे और ये एक बड़ा स्टेशन है जहां से कनेक्टिविटी धौलपुर और आगरा के लिए काफी अच्छी है। बहुत समय के बाद जो लूप लाइन है ना वो देखने को मिली है। इस रूट पे ना बहुत ही कम ऐसे स्टेशन है जहाँ पे ऐसे आपको लूप लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। बाड़ी स्टेशन जो है वो आ चुका है ना भैया? ओ भाई क्या ब्रेक मार रहा है। चलो 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 उतरो भाई। और कुछ स्कूली बच्चे यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं बाड़ी और ये एक बड़ा स्टेशन है। इस रूट पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन थे पर ये स्टेशन जो है वो कुछ बड़ा है। और अगर आपको यहाँ से आगरा के लिए बसेस जो है वो पकड़नी है तो आपको यहीं पे ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ेगा। मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ जो है वो दिखाने वाला हूँ और वो इतनी रेयर चीज़ है ना कि ये बहुत ही पहली बार मुझे देखने को मिली है किसी भी नैरो गेज ट्रेन में। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, मैं आपको दिखाऊँगा। फिलहाल चलिए चलते क्योंकि यहाँ हाँ भैया अरे आज इनसे तो मिल चुके हैं, बढ़िया लगा। ये देखो भाई पलट दो, हाँ पलट दो। देखो किस तरह से एक पूरे कोच को बच्चे जो है मिलकर हिला रहे। यहाँ के स्टेशन पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला। पानी की बोतल भी लेनी हो तो स्टेशन के बाहर जाके कुछ दुकानों में आपको मिलेगी। और इस स्टेशन को चलाने का ढंग भी दशकों पुराना है। और सबसे क्लासिक बात मुझे ये लगी, ये बुकिंग काउंटर जिसको मैंने कुछ पुराने फिल्मों में देखा था। और पता है सबसे मजे की बात क्या है कि हमारी ट्रेन बाड़ी स्टेशन पे एक ही ट्रिप में 3 बार आने वाली है
जैसे अभी ये ट्रेन यहाँ से मोहारी जंक्शन होते हुए तांतपुर जाएगी, फिर तांतपुर से मोहारी जंक्शन होते हुए वापस ट्रेन बाड़ी आएगी, और फिर बाड़ी से ये मोहारी जंक्शन होते हुए सरमथुरा निकल जाएगी, और वापस सरमथुरा से मोहारी जंक्शन होते हुए बाड़ी आएगी, और आखिर में ये ट्रेन शाम को धौलपुर पहुंच जाएगी। वैसे आपको इस रूट पे दो बड़े बड़े ब्रिज देखने को मिलने वाले हैं, एक तो पार्वती रिवर पे बना है जो कि मोहाली जंक्शन के ठीक बाद आता है, और दूसरा ये कौन सी नदी है इसका पता मुझे बिल्कुल नहीं लगा, पर ये जो भी नदी हो बिल्कुल सूख चुकी है। और अब पहुंचने वाले थे मोहारी जंक्शन, और मुझे बहुत ही उत्सुकता हो रही थी ये देखने की कि नैरो गेज का जंक्शन कैसा होता होगा। बिल्कुल छोटा सा जंक्शन है ये, और अगर ये ब्रॉड गेज का जंक्शन होता ना तो यहाँ पे चहल पहल कुछ ज्यादा ही होती, पर छोटा सा प्यारा सा नैरो गेज का जंक्शन है और यही एक ट्रेन है जो दिन भर में यहाँ पे अप एंड डाउन करती है, तो इसलिए यहाँ पे जो रश है वो बहुत ही कम है। और हाँ, यहाँ भी ट्रेन एक ट्रिप में चार बार आती है, तो अगर यहाँ के लोगों को धौलपुर जाना होगा तो उनको चार मौके मिलते हैं ये ट्रेन में ऑनबोर्ड होने के। अब चार मौके कैसे मिलते हैं, मैंने आपको रूट बहुत ही अच्छे समझा दिया है, तो शायद आप लोग समझ जाओगे कि कैसे ट्रेन यहाँ पे चार बार रुकती है। और ये एक जंक्शन था इसलिए ट्रेन यहाँ पे आम स्टेशन के मुकाबले ज्यादा देर तक रुकी, और अब वापस से निकल चुके हैं अपने गंतव्य की तरफ, और अपना हॉल्ट सीधा तांतपुर होने वाला है। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लाइन जो कि सर मथुरा की तरफ निकल जाती है, तो ये है वो लाइन जो सर मथुरा की तरफ निकल जाती है, और कुछ ही देर में हमारी ट्रेन इसी रूट से जाने वाली है, पर अफसोस हम वहां तक सफर नहीं करने वाले, हमारा सफर सिर्फ तांतपुर तक होने वाला है। और ये है वो विशाल ब्रिज जो कि पार्वती रिवर के ऊपर बना है, और नैरो गेज की ट्रेन इस ब्रिज में बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और ये एक छोटा सा स्टेशन था बसेरी, जहां पे ट्रेन मात्र एक मिनट के लिए रुकी, और यहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का पैसेंजर ही ट्रेन से डिबोर्ड हुए। बाकी अब मैं आपको इस ट्रेन की एक सबसे खास बात बताने वाला हूँ। तो इस रूट पे बहुत सारे स्टेशन हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हॉल्स हैं, अब सभी हॉल्स आपको दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ कुछ छोटे छोटे स्टेशन जो है ना, कुछ ही चुनिंदा स्टेशन आपको मैंने इस रूट पे दिखाए। बाकी बात करें एक स्पेशल चीज़ की, इसके लिए मैं आपसे कब से बोल रहा था, वो अब दिखाने का वक्त आ चुका है। चलिए सस्पेंस को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, और ये रही वो चीज़। वैसे आपने मीटर गेज और नैरो गेज के बारे में सुना है कि जो सीट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा ही स्टिफ होती हैं, मतलब लकड़ी की सीट्स होती हैं, कुशनिंग नहीं होती उसमें, लेकिन इस नैरो गेज में जो सीट की कुशनिंग्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो। अगर बात करें इन कोचेस की ना, तो इन कोचेस की सीट की कुशनिंग बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बढ़िया है नॉर्मल जो हमारे पैसेंजर ट्रेन में होती है। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है इस ट्रेन में, इस कोच में, वो ये कि इसमें स्लीपर वाले बर्थ जो लगे हुए आप इसमें सो सकते हो, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, बहुत ही रेयर चीज़ है ये। अब आपको शायद ये और कहीं देखने को ना मिले, ये इंडिया की इकलौती नैरो गेज की ट्रेन है जिसमें आपको ये स्लीपर बर्थ जो है वो देखने को मिलते हैं। तो क्यों है ना ये इंटरेस्टिंग चीज़, और सबसे अच्छी बात ये है कि नॉर्मल स्लीपर क्लास की तरह आप इसको ऊपर उठा करके और लॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये देखिए, ये जो स्लीपर बर्थ है ये ऊपर हो गई, अब आराम से आप नीचे बैठ सकते हो, और जब सोने का मन हो, हालांकि अभी तो ट्रेन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस चलती नहीं इसलिए कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर फिर भी सोने का मन हो तो इसको नीचे गिरा करके इस नैरो गेज की ट्रेन में आप सो भी सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सोचा कि आप सभी को उसके बारे में बताऊँ। और इतना ही नहीं, ट्रेन में टॉयलेट भी है, पर ये बायो टॉयलेट नहीं है, नॉर्मल टॉयलेट है, तो सीधा जो गंदगी है वो ट्रैक पे गिरती है।
और इन खेतों में लहलाते फसलों के बीच हमारी ट्रेन धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। बच्चों में इस ट्रेन को लेकर के खासा उत्साह होता है। जब भी ट्रेन किसी कस्बे से गुजरती है ना, तो बच्चे घरों से बाहर आकर के ट्रेन को देखने लगते हैं। और आखिर में हम पहुंच चुके हैं अपने इस जर्नी के आखिरी स्टेशन दांतपुर में। इसके आगे ट्रैक्स नहीं है और ये एक टर्मिनल स्टेशन है। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है ना, वो वापस से जाने वाली है पीछे की तरफ, रिवर्सल होगा। ये आप देख सकते हो पीछे जो हमारा लोकोमोटिव है वो डिटैच हो चुका है, और अब वापस से इसको पीछे की तरफ लगाया जाएगा और ये ट्रेन वापस से बाड़ी जाएगी, और फिर वहाँ से जो है ना सर मथुरा की तरफ ट्रेन जो है हमारी रवाना होगी। तो ये कुछ चीज़ें होने वाली है, लेकिन फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। यहाँ तक की जर्नी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही सुंदर थी, और ये रूट भी बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको, बहुत सिंपल सा रूट है, आपको सिर्फ खेत खलिहान जो है सिर्फ वही देखने को मिलेंगे पूरे रूट भर में। हालांकि मानसून के वक्त में शायद ये रूट और भी खूबसूरत हो, पर अभी भी ये रूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी। और ये रूट एक्सप्लोर करते वक्त ऐसा लगा मानो कोई हम आज़ादी के पहले के जो गांव होते हैं ना, बिल्कुल उनके बीच हम चलते ही जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। और एक और चीज़ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता, मुझे वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने आने वाली जर्नी की जो अपडेट्स होती हैं वो शेयर करता हूँ। एक और चीज़, ये वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक ज़रूर से करना। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपको जो लोगों का रिवर्सल है वो दिखाते हैं और वहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो इंजन रिवर्स होके वापस से आगे की तरफ अटैच होता है और ट्रेन फिर से निकल जाती है मोहारी जंक्शन से बाड़ी की तरफ, और वहाँ से ट्रेन सरमथुरा के लिए प्रस्थान करेगी। खैर, इस ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा में बस इतना ही। मुझे पता है मेरे से बड़े उम्र के लोग इस वीडियो को देख करके अपने बचपन को याद कर रहे होंगे, और मेरे हम उम्र और मेरे से छोटे एज के लोग को आज एक पुराना भारत देखने को मिला होगा। तो चलिए, वक्त हो चुका है सफर को खत्म करने का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने आने वाली जर्नीज की अपडेट जो है वो शेयर करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।